शिक्षिका को शादी का झांसा देकर अपने आप को तलाकशुदा बताकर उससे शादी करने और शिक्षिका से जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने के अलावा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसका सोना जेवरात और पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस ने आदित्य मेहता नाम के एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश उज्जैन से गिरफ्तार किया है। महिला ने बताया कि आदित्य मेहता की मुलाकात मई 2020 में कांदीवली पूर्व के गोल्ड जिम में हुई थी। इस दौरान मेहता ने खुद को तलाकशुदा बताकर पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और परिवार की रजामंदी से दोनों ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान घर में ही शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद आदित्य की तीसरी पत्नी अनीता मरोली का मैसेज आया था जिसमें बताया कि अब तेरा काम शुरू हुआ है। वहीं एक मेल का लिंक भी आया था जिसमें आदित्य की पांचवी शादी के जिक्र के अलावा पीड़िता की जिंदगी खराब करने की बात भी कही गई थी। वकील का कहना है कि आदित्य मेहता एक गैंग चलाता है जिसका उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को बहला फुसला कर शादी करना है, उसके बाद उसके शारीरिक शोषण कर पैसे ऐंठ लेना है। पुलिस ने बताया कि महिला को अगस्त 2020 शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी आदित्य मेहता को उज्जैन से गिरफ्तार कर भी लिया है। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी आदित्य मोहता है। लक्ष्मी जी, आपने एक अपने पति के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया है, क्या कुछ हुआ और किस तरह से आपको जानकारी मिली कि आपके पति ने आपके साथ छल किया है, गलत किया है? वो मुझे नागपुर लेके गए, उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया। उन्होंने मारपीट शुरू की, बहुत टॉर्चर करना शुरू किया, पैसे लेना शुरू किया, पैसे चोरी कर लिए, गोल्ड ले लिए। और उसके बाद में मुझे एक मेल आया, उससे मुझे पता चला कि उनकी बहुत सारी शादियां हो चुकी है। इस वजह से फिर मैंने कंप्लेंट ये दर्ज किया है पुलिस स्टेशन में। समतानगढ़ पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे, आपकी क्या मांग है जी, किस तरह से पूरा मोडस है, ये क्या जानकारी आपको मिली बताइए? इन्होंने पहले भी बहुत सारी शादियां कर रखी है और मुझे अभी भी पता चला है कि एक हफ्ते पहले उज्जैन में उन्होंने अभी मम्मी के सामने, मतलब मेरी सास के सामने उन्होंने और एक शादी की है। ये मुझे ये पता चला है, सुनने में आया है। इसके लिए सपोर्ट वो केरला वाली जो मुझसे पहले 2017 में जिससे उसने शादी की थी वो उसको सपोर्ट कर रही है। उसको पता था कि उसकी शादी मेरे से हो गई है, उसके बावजूद भी उसने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और उल्टा वो मुझे थ्रेटन कर रही है। अगस्त में मुझे थ्रेटन करके मैसेज भेज रही है कि मैं उसको ट्रैप कर रही हूँ। आप चाहती क्या होगी आपके पति के साथ? उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और ये एक्शन जो मैंने उनके खिलाफ लिया है इससे उसको सबक मिले कि वो अभी आगे से किसी दूसरी लड़की को परेशान, वो दूसरी लड़की की लाइफ वो स्पॉइल नहीं करे। सर होता कि आप वकील हैं, किस तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से पूरा मामला सामने आया? मुंबई पुलिस, समतानगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, बताओ इनके पति को क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये FIR रजिस्टर हुई थी करीबन अगस्त 2020 में, उसके बाद इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इन्होंने काफ़ी पुलिस को फॉलोअप भी किया, पर फाइनली जब ये इनको लगा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो इन्होंने मुझे संपर्क किया, तो मैंने इनको सलाह दी कि काम करो आप, DCP साहब को एक RTI फाइल करिए। तो मेरे कहने से इन्होंने तुरंत DCP साहब को RTI फाइल किया और DCP साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया और परसों समतानगर पुलिस स्टेशन ने जो आरोपी मिस्टर मोहता है उसको अरेस्ट कर लिया है और कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और कोर्ट ने इनको 7 दिन की पुलिस रिमांड दी है और वो अभी पुलिस के हिरासत में है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सर, महिला का आरोप है कि सिर्फ वो अकेली नहीं है बल्कि इनके साथ 4 और महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह का छल हुआ, हालांकि वो कोई कंप्लेन नहीं दी है, क्या इस तरह का कोई ग्रेवेंस बनता है? अब इसमें ऐसा है कि इन्होंने मुझे कुछ ईमेल कम्युनिकेशन और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन दिखाए हैं जिससे ऐसा लगता है कि जो मिस्टर मोहता है इन्होंने कई और भी दूसरी महिलाओं के साथ शादी की है और उनके साथ धोखाधड़ी की है, ऐसा प्रतीत होता है। ये आदित्य सतीश मोहता नाम के पुरुष है, 42 उम्र है उनकी। उनकी एक महिला के साथ में गोल्ड जिम कांदिवली ईस्ट में पहचान हो गई और उसके बाद में ये लॉकडाउन के पहले की बात है, तो उनकी पहचान हो गई, आपस में बात हो गई, फिर बाद में उन्होंने आपस में शेयर किया। वो पुरुष का जो है डिवोर्स हो चुका था और ये महिला जो थी वो मैरिज ब्यूरो ने उसने रजिस्टर करवाया था और वो
अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही थी, तो वो पुरुष ने बताया उसका डिवोर्स हो गया है। तो आपस में ये दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया। फिर क्योंकि लॉकडाउन था, रजिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह बंद थे, इसके लिए वो चार रिश्तेदार के सामने घर में उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद में जो है उसने वो लड़की के साथ में, औरत के साथ में शारीरिक संबंध बना लिए। वो पहला संबंध तो मर्जी से बना है, उसके बाद में उसको तकलीफ हो गई, उसके बाद में उसने ज़बरदस्ती उसके मर्जी के बिना संबंध प्रस्थापित किए। तो औरत को बहुत तकलीफ हो गई, और महिला को तकलीफ होने के बाद में वो ना बोले, फिर भी उसने अनैसर्गिक शारीरिक संबंध उसके साथ रखे, ऐसा दो तीन बार किया। फिर बाद में वो अपने घर नागपुर में उसको लेके गया महिला को, वहाँ पे भी उसने संबंध रखे। फिर उस औरत के पर्स में से, महिला के पर्स में से उसने 25,000 लिए और कुछ 11 तोला गोल्ड था वो ले लिया। फिर उसको भगा दिया वहाँ से। फिर वो अपने घर आने के बाद उसने फिर वापस उसके साथ संबंध प्रस्थापित करने की बात की, मतलब कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया, तो उसको टालने लगा। फिर उसको औरत को लगा कि अपने ये हो गए हैं। तो फिर बहुत कोशिश के बाद भी वो उसने कांटेक्ट रखना नहीं चाहा वो पुरुष ने, तो इसने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दिया। देखिए महिला का बैकग्राउंड तो हम बता नहीं सकते, आरोपी जो है कुछ बिजनेस करता है ऐसा बताया जा रहा है, और बाकी तो कुछ देखो वो महिला ने जो शिकायत दर्ज की वो तो हमने लिए है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। IPC 376 377 417 406 500 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? आरोपी को उज्जैन मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। कब तक PC में अभी है और